उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है जिसको हम लोग रेशियो बोला बोलेंगे ठीक है सो द रिलेशन बिटवीन द टू अकाउंटिंग फिगर्स एक्सप्रेस मैथमेटिकल इज नोन एज वट फाइनेंशियल रेशियो या जिसको रेशियो एनालिसिस बोलेंगे तो यहाँ पे भी एनालिसिस तो करना ही है बट किसका एनालिसिस करना है अकाउंटिंग फिगर्स का तो अकाउंटिंग फिगर्स जो बैलेंस शीट में या पीएल स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग फिगर्स है उसका एनालिसिस करना है ठीक है एंड यहां पे जो आंसर आएगा वो रेशियो के फॉर्म में आएगा जिसको हम लोग फाइनेंशियल रेशियो बोलेंगे ठीक है रेशियो हेल्प्स टू समराइज द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड टू मेक क्वालिटेटिव जजमेंट अबाउट द फॉर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग रेशियो एनालिसिस करने वाले हैं ठीक है थीके? जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू सेल्स कितने हैं जिसको हम लोग जी रेशियो बोले गए या जिसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी बोलते हैं फिर नेट प्रॉफ़िट का कंपेरिजन करेगी सेल्स के साथ जिसको नेट प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं फिर यहाँ पे अलग अलग बैलेंस शीट के भी बहुत सारे फिगर्स uh, हम लोग कंसिडर करके एनालिसिस करने वाले हैं फिर बैलेंस शीट में भी बहुत सारी असेट्स एंड लाइबिटीज़ का भी हम लोग कंपेयर करेंगे एकॉर्डिंगली हमें रेशियो मिलेगा उसका भी तो बहुत सारी वेराइटीज़ के रेशियोज हमें यहाँ पर दिखना है ठीक है उस उसको हम लोग बोलेंगे रेशियो एनालिसिस फिर रेशियोस का जो आंसर है ना फ्रेंड्स वो अलग अलग आंसर्स आ सकता है यहाँ पे या तो वो प्रपोशन में आ सकता है या तो वो परसेंटेज में आ सकता है उसका आंसर टाइम्स में भी आ सकता है प्रपोसन मतलब टू इज टू वन थ्री इज़ टू वन उसमें भी आंसर आ सकते हैं या परसेंटेज में मतलब सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट फिर यहाँ पे लिखा है टाइम्स में मतलब टू टाइम्स थ्री टाइम्स उसमें भी आ सकते हैं तो अलग अलग रेशियोज़ के अलग अलग टाइप के आंसर्स हमें मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्शन मतलब पॉइंट में भी आंसर इसका आ सकता है या डेज में वीक्स में मंथ्स में अलग अलग रेशियोज के अलग अलग टाइप में आंसर हमें मिल सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैंने रेशियो का पूरा एक चार्ट बना के आप लोगों के लिए रखा है ताकि आपको पता चले कि रेशियो बेसिकली कितने टाइप के हमें इस चैप्टर में लर्न करने फर्स्ट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सो क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो उसमें फर्स्ट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सेकेंड इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट के या पी एन अकाउंट के रेशियोज आ सकते हैं लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो वो ट्रेडिंग एंड पी एल वाले रेशियोज़ है फिर बैलेंस शीट के भी बहुत सारे रेशियोज़ हमें यहाँ पे देखना है तो इसको हम लोग रेशियो ऑफ बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं लाइक टोटल असेट्स टू डेट रेशियो प्रोपर्टरी रेशियो एंड ऑल फिर कंपोजिट रेशियोज मतलब जिसमें ट्रेडिंग पी एल एंड बैलेंस शीट के दोनों के अकाउंटिंग uh, आइटम्स को कंसिडर करके जो रेशियो बनेगा उसको कंपोजिट दोनों के कॉम्बिनेशंस वाले भी रेशियोज हमें यहाँ पे दिखने तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन तो चलो ठीक है थियोटिकली आपको दिया है बट हमारा जो मेन फोकस है ना फ्रेंड्स वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के ऊपर है सो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ रेशियोज आपके सिलेबस में जिसमें से फर्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो इस रेशियो में पी चार रेशियोज है फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेकेंड इज ऑपरेटिंग रेशियो थर्ड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो तो ये चारों प्रॉफिट के रिलेटेड है जिसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बोलेगा जिसमें हमें पता चलेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है एज कंपेयर टू सेल्स कितना है लाइक like हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी आंसर है उसको हम लोग सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे एंड जो भी हमें रेशियो मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ठीक है तो यहाँ पे जीपी का मतलब जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट की कंपेरिजन करेगी सेल्स के साथ एंड उसका जो भी आंसर रहेगा वो परसेंटेज में हमें मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग रेशियो ठीक है जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंसिडर करेंगे ठीक है एज कम्पेयर टू सेल्स देखेंगे तो आंसर हमें जो मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग रेशियो ये सारे रेशियोज हम लोग डिटेल में देखने ही वाले हैं मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ कि कितने टाइप के रेशियोज हमारे सिलेबस में है ठीक है फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग इनकम में से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा ठीक है उसका भी हम लोग डिटेल में सम के साथ डिस्कस बाद में करने ही वाले हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्स ही देखना है सारे रेशियोज यहाँ पे जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपके सिलेबस में वो सेल्स के साथ कंपेयर करके हमें चेक करना है कि कितना परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है जीपी कितना है फिर उसके बाद आता है एनपी नेट प्रॉफिट रेशियो जिसमें हम लोग कंपेयर करेंगे सेल्स के साथ कि नेट प्रॉफिट की कंपेरिजन में सेल्स हमारा कितना है जो ये रेशियो हमें बताता है नेट प्रॉफिट रेशियो अलग अलग टाइप के प्रॉफिट एवलेटी रेशियोज हमारे पास अवेलेबल है ठीक है नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो सो so, लिक्विडिटी रेशियो में दो टाइप के रेशियोज हैं फर्स्ट इज करंट रेशियो एंड सेकेंड इज लिक्विड रेशियो ठीक है सो करंट रेशियो की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग करंट असेट्स का कंपैरिजन करंट लाइबिटी के साथ करने वाले हैं एंड अकॉर्डिंगली विल गेट आवर आंसर या तो उसका आंसर हमें वन इज टू वन मिल सकता है टू इज टू वन ठीक है उस हिसाब से हमें आंसर मिलेगा तो यहाँ पे करंट असेट्स की कंपेरिजन हमें करनी है करंट लाइबिटी के साथ जिसको हम लोग करंट रेशियो बोलेंगे एंड फिर लिक्विड रेशियो की अगर बात की जाए तो हमें यहाँ पे लिक्विड असेट्स की बात कर रहे हैं लिक्विड असेट्स की कंपैरिजन करेंगे करंट लाइबिटी के साथ जिसको हम लोग लिक्विड रेशियो बोलेंगे तो बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो से हमें पता चलेगा कि हमारे पास ऐसी कितनी असेट्स है खास करके करंट असेट्स जो तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो पाए ठीक है तो उस टाइप का जो रेशियो है उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विडिटी रेशियो जिसमें हमें ऐसी असिड्स का कंपैरिजन करना है करंट लाइबिटी के साथ जो तुरंत ही हमें कैश में कन्वर्ट करके दे दें फिर उसके बाद आता है ये सारे रेशियोज हम लोग डिटेल में देखने वाले इसके बाद ही बट जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी फिर उसके बाद आता है सोलवंसी रेशियो तो कंपनी कितनी सोलवेंट है ये चेक करने के लिए हम लोग सोलवसी रेशियो देखने वाले हैं फर्स्ट उसमें आता है डेट टू इक्विट तो यहाँ पे जो सॉलवेंसी रेशियो है उसमें हम लोग ऑलवेज लॉन्ग टर्म डेट को ही कंसिडर करेंगे ठीक है शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लायाबिटी को कंसिडर नहीं करेगा करंट लायाबिटी यहाँ पे आ गए ऑलरेडी तो सोलवेंसी रेशियो में ऑलवेज जो डेट का मतलब होता है वो मतलब, होता है लॉन्ग टर्म लायाबिटीज़ तो यहाँ पे ऑलवेज हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिटीज को कंसिडर करके रेशियोस रिस्पेक्टिव रेशियोज निकालेंगे फर्स्ट आता है डेट टू इक्विटी रेशियो जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लायाबिटीज को कंसिडर करके इक्विटी के साथ इक्विटी का मतलब होगा यहाँ पे शेयर होल्ड फंड जो हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा था कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट बोलते हैं तो उसमें हम लोगों ने जो देखा था शेयर होल्ड ऑफ जिसमें दो चीज़ें आती है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सर्पज तो उसको शेयर होल्ड फंड्स के साथ कंपेयर करके ये रेशियो हम लोग निकालेंगे तो इसका भी जो भी आंसर है वो भी हमें या तो वन इज़ टू वन में मिल सकता है या टू इज टू वन या जीरो पॉइंट फाइव इज टू वन भी आ सकता है ठीक है नेक्स्ट इज टोटल असेट्स टू डेट रेशो तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी असेट सेट के जो भी असेट्स है टोटल असेट्स है उसका कंपेरिजन हम लोग करेंगे लॉन्ग टर्म लायाबिटीज के साथ तो हमें जो रेशियो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल असेट्स टू डेट रेशियो डेट का मतलब होगा लॉन्ग टर्म लाइबिटीज ठीक है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट को हम लोग कंसिडर करेंगे डेट का मतलब होता है लायाबिटिस बट कौन सा वाला लाइबिटिस लॉन्ग टर्म या करंट लायाबिटीज़ यहाँ पे हम लोग ऑलवेज लॉन्ग टर्म लाइबिटीज को कंसिडर करेंगे वाइल्ड कैलकुलेटिंग सोलवेंसी रेशियोज ठीक है फिर अदाइड प्रोपर्टरी रेशियो जिसमें हम लोग इक्विटी फंड्स या जिसको शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं उसका कंपैरिजन हम लोग अपनी जो टोटल एसेट्स हैं उसके साथ करेंगे तो जो रेशियो मिलेगा उसको हम लोग प्रोपर्टरी रेशियो बोलेंगे ये सारे जो रेशियोस हम लोग देख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल सम्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देखने ही वाले हैं जस्ट मैं आपको भी ओवरव्यू दे रहा हूँ नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोस्टली ये जो बैंक्स होते हैं ये जो लेंडर्स होते हैं जो जिसने कंपनी को लोन दिए वो इस टाइप का रेशियो कंसीडर करके एनालिसिस करेंगे ताकि उनको पता चले कि उनका जो इंटरेस्ट है वो पे करने के लिए कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं है तो इसमें हम लोग प्रॉफिट का कंपैरिजन इंटरेस्ट के साथ करेंगे ठीक है ताकि इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी के पास सफिशेंट प्रॉफिट है कि नहीं वो चेक करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम लोग कंसिडर करके उसको देखेंगे ठीक है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं ताकि कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट पे करने के लिए भी पैसा है या नहीं वो चेक होता है मेनली इस रेशियो से इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो जनरली जो लैंडर्स होते हैं बैंक्स होते हैं वो रेस ये रे वाला रेशियो चेक करके एनालाइज करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट इज एफिशिएंसी रेशियो जिसका दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो उसमें चार टाइप के रेशियोज है फर्स्ट इज स्टॉक टर्न ओवर सेकेंड इज़ वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर थर्ड वन इज डेटस टर्न ओवर फोर्थ इज क्रेडिटस्ट टर्न ओवर तो यहाँ पे जो टर्न ओवर वर्ड यूज़ किया गया है दैट इंडिकेट्स वट सेल्स तो यहाँ पे सेल्स की कंपेरिजन में हमें स्टॉक कंपेयर करना है सेल्स कंपेरिजन में हम लोग वर्किंग कैपिटल चेक करेंगे फिर डेटर्स हम लोग देखेंगे फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स भी हमें कंसिडर करके उसका रेशियो निकालना है तो स्टॉक टर्न की बात की जाए तो हमारे पास जितना भी स्टॉक है वो कितने टाइम में सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा दिस इंडिकेट्स वॉट स्टॉक टर्न ओवर रेशियो तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा होगा टाइम्स में फिर वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिटी इज़ वॉट वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल कितना हमारे पास अवेलेबल है वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिटी तो एज़ कंपेयर टू टर्न ओवर या सेल्स कितना है वो ये वाला रेशियो हमें बताता है फिर उसके बाद आता है डेटस टर्न ओवर रेशियो तो डेटस भी हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे डेटस में हम लोग जो सेल्स को कंसिडर करेंगे वो सेल्स होगा क्रेडिट सेल्स जी हाँ फ्रेंड्स टोटल सेल्स की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे डेटर्स जब भी हम लोग निकालेंगे डेटर्स टर्न ओवर रेशियो तो उस टाइम पे हम लोग क्रेडिट सेल्स को कंसिडर करेंगे एंड ये जो रेशियो हमें मिलेगा वो होगा या तो टाइम्स में या तो डेज में हो सकता है या वीक्स में या मंथ्स में भी हो सकता है तो बेसिकली डेटर्स टर्न ओवर से पता चलेगा कि हमें डेटर्स के पास से कितना टाइम में पैसा मिलेगा कितने टाइम पीरियड में हमें पैसा मिलने वाला है कितने मंथ्स में या कितने डेज में या कितने वीक्स में हमें पैसा जो है वो मिलने वाला है तो ये इंडिकेट करता है डेटर्स टर्न ओवर रेशन क्रेडिटर्स की बात की जाए तो हमें अपने क्रेडिटर्स को कितने टाइम पीरियड के बाद हमें पैसा देना है चाहे वो डेज में हो चाहे वो वीक्स में हो चाहे वो मंथ्स में हो तो ये इंडिकेट करता है क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेसू तो इसका आंसर टाइम्स में हो सकता है डेज वीक्स एंड मंथ्स में भी आ सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो वो डिटेल में तो हम लोग आगे देखने ही वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो ये था फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो ठीक है सो आई होप आप लोगों को ओवरव्यू मिल गया होगा इसके बाद हम लोग फर्स्ट रेशियो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सो उससे पहले ये जल्दी से आप लोग बोर्ड वर्क अपनी बुक में कंप्लीट कर लो सो राइट डाउन दिस बोर्ड वर्क इन योर बुक ओके okay. अब देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है वो हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे अलोंग विथ एग्जाम्पल सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्क्लोज द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल नेट सेल्स तो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल नेट सेल्स सो टोटल नेट सेल्स की अगर बात की जाए तो जिसमें दोनों टाइप के सेल्स को हम लोग कंसिडर करेंगे कैश सेल्स एज वेल एज़ डिट सेल्स एंड नेट सेल्स का मतलब होता है हम लोग टोटल कर देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल नेट सेल्स प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो का आंसर रहेगा वो परसेंटेज में हमें मिलेगा ठीक है इट इज एन इनकम बेस्ड रेशियो तो आपको पूछ सकते वन मार्क के लिए कि ये जो रेशियो है वो इनकम बेस्ड रेशियो या एक्सपेंस बेस्ड रेशियो है तो इनकम बेस्ड रेशियो बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को कंसीडर करके रेशियो निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन तो टोटल नेट सेल्स एन टू हंड्रेड इज वॉट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है ग्रॉस प्रॉफिट इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टोटल नेट सेल्स अब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है to तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गुड सोल्ड ठीक है सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी एक फॉर्मूला है जो मैंने वैसे तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बताया था कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया है वो भी देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज रिलेटेड जो भी एक्सपेंसिस है लाइक फ्रेट एंड ऑल उसमें परचेज के साथ उसको ऐड करेंगे फिर माइनस करेगी क्लोजिंग स्टॉक सो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट कॉस्ट ऑफ़ गुड्स कंज्यूम्ब अभी तक हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मिला यहाँ तक हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड का अगर उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम में दो चीज़ें ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वो दो चीज़ें क्या है वीज इज एंड फैक्ट्री एक्सपेंस तो यहाँ पे जो भी हम लोग प्लस और माइनस कर रहे हैं ना अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो ये ट्रेडिंग रिलेटेड सारे एक्सपेंसिस यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर किए वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है सो ये ओपनिंग स्टॉक भी कहाँ पे आता था ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से परचेज भी कहाँ पे आता था ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है रेलवे फ्रेट एंड ऑल तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फिर ये कहाँ पे आता था माइनस कर रहे क्लोजिंग स्टॉक वो भी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आता था फिर ये वेजिस डेबिट साइड फिर फैक्ट्री एक्सपेंस वो भी डेबिट साइड ठीक है तो एक्सपेंसिज हम लोग प्लस कर रहे हैं इन क्लोजिंग स्टॉक ही सिर्फ माइनस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें आंसर जो मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है बिकॉज हमें ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट है वो क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट तो उसके ही एक्सपेंडिचर हम लोग कंसिडर करेंगे ना ऑब्वियसली वाई आर कैलकुलेटिंग सी ओ जी एस इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे सी ओ जी एस ठीक है तो ये था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो थोरिकली तो मैंने समझा दिया प्रैक्टिकल सम हम लोग दो सम हम लोग देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सो स्टार्ट द फर्स्ट एग्जाम्पल सेल्स पे आपको क्वेश्चन में दे के रखा है टेन लैक्स फिर उसके बाद उन लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट भी दे के रखा है थ्री लैक्स हमें कैलकुलेट करना है जीपी रेशियो सो आपको फॉर्मुला बताया फ्रेंड जीपी रेशियो इज इक्वल टूट जीपी अपॉन टोटल नेट सेल्स इन टू हंड्रेड मतलब यहाँ पे जो सेल्स है वो नेट सेल्स ही होगा ऐसा मान के हम लोग उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे सो so, जीपी कितना है थ्री लैक्स सेल्स कितना है हमारे पास टेन लैक्स अब क्या करना है मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड तो हमारा जो आंसर रहेगा ना फ्रेंड्स वो आएगा परसेंटेज में सो थ्री लैक्स टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन लैक्स करो गेट थर्टी परसेंट इज वॉट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ये जो आंसर आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के जो आंसर्स हमें मिलेंगे वो ऑलवेज होगा परसेंटेज में ठीक है सो थर्टी परसेंट इज वट माई ग्रॉस प्रॉफिट अगर सेल्स अगर हंड्रेड रुपीज़ है ना फ्रेंड्स तो उसकी कंपेरिजन में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो कितना है थर्टी परसेंट ऑफ हंड्रेड कम्स टू अ थर्टी रुपीज अगर हंड्रेड रुपीज सेल्स है तो थर्टी रुपीज क्या है ग्रॉस प्रॉफिट तो ये इंडिकेट करता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते सेल्स मान लेते हैं हमारे पास है फिफ्टीन लेक्स अब यहां पे उन लोगों ने डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है उसकी जगह उन लोगों ने सी ओ जी एस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे के रखा है सो विच इज ट्वेल्व लेक्स तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एंड ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मुला बताई थी सेल्स माइनस सी ओ जी एस सो जो सेल्स है हमारे पास उसमें से हम लोग सी ओ जी एस माइनस कर दोगे इनकम माइनस एक्सपेंस इज वॉट प्रॉफिट बट यहां पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा ग्रॉस प्रॉफिट सो सेल्स में से अगर हम लोग सी ओ जी एस मतलब ये जो सी ओ जी एस है ना फ्रेंड्स इट इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट जो एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस है ना उसको ही हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स और बोलते हैं बिकॉज हम लोगों ने सी जी में देखा था ओपनिंग स्टॉक परचेज परचेज एक्सपेंस फैक्ट्री एक्सपेंस वेजिस ये सारे एक्सपेंसिस कंसिडर करिए हम लोगों ने किए थे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया था तो ये जो सी है वो ट्रेडिंग अकाउंट के ही सारे एक्सपेंसिस है एंड अगर वो एक्सपेंसिस सेल्स में से माइनस कर देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट का जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्वियसली वही मिलेगा ठीक है सो तो इसीलिए ये फार्मूला बन चुका है अकॉर्डिंगली सेल्स माइनस सी ठीक है आप लोग क्या करते थे तो जीपी निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल करते थे फिर डेबिट साइड माइनस करते थे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट सेम उसी तरीके से हम लोग जीपी पी निकल रहे बट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला फार्मूला बना दिया रेडीमेड फार्मूला हम लोगों के पास अवेलेबल होगा उससे ही हमें जी कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है फ्रेंड्स ओके okay, चलो तो सी ओ जी एस हमारे पास है ट्वेल्व लैक्स हमारे पास सेल्स भी है फिफ्टी लैक्स सो फिफ्टी लैक्स माइनस ट्वेल्व एक्स कम्स टू अ थ्री लैक्स इज वॉट माई ग्रॉस प्रॉफिट अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया अब उसका रेशियो भी मिल जाएगा क्या करना है सिंपल कुछ सही ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स इन टू हंड्रेड यानी जो सेल्स है वो नेट सेल्स है मतलब जिसमें से हम लोगों ने सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया होगा तो कुछ नहीं लिखा तो ही मानेगे कि ये नेट सेल्स ही है चलो, थ्री so लैक्स हमें क्या मिला था ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स कितना है फिफ्टीन लैक्स थ्री लैक्स डिड फिफ्टी लैक्स इन टू हंड्रेड कम्स टू हट ट्वेंटी परसेंट तो यहां पे 20 answer आया। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेल्स हंड्रेड है तो उसकी कंपेरिजन में हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्वेंटी रुपीज है ट्वेंटी परसेंट ऑफ हंड्रेड कम्स टू अट ट्वेंटी रुपीज ठीक है तो ये था ग्रॉस प्रॉफिट रेसियो क्लियर फ्रेंड्स इसके बाद के लेक्चर में हम लोग इसकी और प्रैक्टिस करेंगे सो राइट डाउन दिस बोर्ड वर्क इन योर बुक